नमस्कार दोस्तों, आज देश दुख में डूबा हुआ है क्योंकि हमारे राष्ट्र के CDS जो पहले CDS बनाए गए थे जनरल बिपिन रावत, काफ़ी अनुभवी करियर रहा है और बहुत ही अनुभव रखते थे ये सेना से संबंधित विषय पर। कल तमिलनाडु में मोनार में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उसमें उनके साथ 11 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई और जनरल बिपिन रावत शहीद हो गए। ये बहुत ही दुख की घड़ी है दोस्तों। और जनरल बिपिन रावत कोई एक साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान थी। अंतर्राष्ट्रीय पहचान किस प्रकार थी ये मैं बताता चलूँ आपको। एक्चुअली असल में जनरल बिपिन रावत को इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइजेज में भेजा जाता था। तो जब कोई व्यक्ति किसी राष्ट्र के मिलिट्री एक्सरसाइजेज में जाता है तो उसका एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जनरल बिपिन रावत एक ट्रेनर बन के जाते थे। एज ए ट्रेनर जब अमेरिका अपने मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता था या रशिया अपने मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता था, इसराइल के साथ भी कई बार मिलिट्री एक्सरसाइजेज में, इवन श्रीलंका के साथ भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज में जनरल बिपिन रावत सहभागी रहे हैं। तो जनरल बिपिन रावत इंटरनेशनल ट्रेनर की तरह उभर कर सामने आए थे। ऐसे में ये जो उनकी शहादत हुई है ये बहुत ही दुख की घड़ी है, क्योंकि हमने एक ऐसा हीरा खो दिया, ऐसे व्यक्ति को खो दिया जो इंटरनेशनली भारत को रिप्रेजेंट करता था और इतने दमदारी से रिप्रेजेंट करता था कि उसको लोग व्यक्तिगत देशों के राष्ट्रपति तक व्यक्तिगत रूप से जानते थे। वो चाहे इसराइल के राष्ट्रपति रहे हों, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हों। और ये जो कल बहुत ही मार्मिक घटना हुई है आप वीडियोस में देख पा रहे होंगे, ऐसी घटना देश को झकझोर कर रख देती है। इसीलिए मैंने सोचा कि आप सबसे अपने दुख को मैं व्यक्त कर पाऊँ। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे जितने भी दर्शक हैं वो देशभक्त हैं, बहुत अच्छे एक नागरिक हैं हमारे देश के। तो हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस वीडियो के थ्रू कम से कम 10 सेकंड का मौन तो जनरल बिपिन रावत को दे ही सकते हैं। आइए हम सभी 10 सेकंड का YouTube पे साइलेंस मौन करते हैं और जनरल बिपिन रावत को एक श्रद्धांजलि देते हैं, ताकि उस व्यक्तित्व को जहां कहीं पर भी उसकी ऊर्जा विद्यमान हो वो समझ सके कि ये देश आज भी अपने शहीदों के लिए दुखी होता है। यहाँ पे सिर्फ कैंडल मार्च नहीं होता, बल्कि जो दुख हो रहा है हृदय में वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, सिर्फ भारत का रहने वाला महसूस कर सकता है कि आखिर उसने अपने इस हीरो को खोने के पश्चात कैसा महसूस किया। तो चलिए मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप 10 सेकंड तक इस वीडियो में पॉज रहकर जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। ओम शांति। आशा है कि आप सभी मेरे इस वीडियो से, मुझे पता है कि आप सभी बहुत दुखी हैं और आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस साइलेंस में मेरा सहयोग दिया। और आगे हम अपने चैनल पर अपने चैनल से संबंधित वीडियोस को लाते रहेंगे। आज बस इतना ही, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।